अगर आप लोग आते हो तो 100 दिनार से 150 दिनार तक आपको सैलरी मिलेगी। ओके, आपको खाना पीना रहना कंपनी देगी। ओके, तो ये ध्यान रखना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग गाइज? गाइज आज मेरा ऑफ है और मैं बाल काटने जा रहा हूँ, बाल बड़े हो गए। और मौसम की बात की जाए, मौसम बहुत प्यारा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे करके, तो 18, 15, 20, 22 ऐसे मौसम पहुंच जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली है कि कुवैत में हम किस काम में जा सकते हैं और कुवैत में सबसे ज़्यादा सैलरी किस काम में मिलता है। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। जब कुवैत में मैं भी नहीं आया था, मेरा भी यही सवाल था कि किस काम में मिलता होगा। मैं भी सोचता था किस काम में मिलता होगा सबसे ज़्यादा सैलरी, या किस काम में हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मेन टॉपिक पे बात करते हैं और आपको बताता हूँ मैं कि किस काम में आप लोग आ सकते हो कुवैत में और किस काम में आप में सबसे ज़्यादा सैलरी आप लोगों को मिलेगी। ओके, तो प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, और बेल आइकॉन के घंटे को जरूर दबा देना ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मिलती रहेगी और नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये ओरियोडो गाइस, ये सिम आपको यहाँ पे लेने को मिल सकती है अगर आप लोग ओरियोडो का सिम ले सकते हैं। तो गाइस फाइनली मैं बाल काट के आ गया हूँ। देखो कुवैत में अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, किसी भी फील्ड का आप काम जानते हो, पढ़े लिखे हो, कुछ भी आप जानते हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर एक ही उसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कारपेंटिंग हो गया, कारपेंटर हो गया, और लेबरे होगी, वेयर हाउस जॉब हो गया, या किसी शॉप में काम करना हो गया, और या होटल लाइन होगी, या घर खाते में हो गया, घर का काम करना जानते हो, और या आप लोग मकान बनाने का काम जानते हो, कुछ भी अगर आप लोग काम जानते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कुवैत में। ओके, क्योंकि कुवैत में कुवैती लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, यहाँ पर इनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े पद में हायर होते हैं लोग। ये छोटे मोटे नौकरी नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है कुवैतियों के पास। तो अगर छोटे मोटे काम कुछ भी हो करना आप जानते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अगर कभी आपको क्या बोलते हैं अप्लाई करना हो, वीज़ा लेना, तो किसी ऑफिस में जाके ले लें, ऑनलाइन मत लें वीज़ा, क्योंकि उसमें फ्रॉड के चांस कम होते हैं। ताकि आप बोल सकते हो हाँ कि फलाने ऑफिस से मैं ये लिया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप कुछ उसको वो कर सकते हो। ओके, तो फ्रॉड से बचने का ये भी एक आसान तरीका है। तो गाइस आप लोग ये मत सोचना कि मैं ये फील्ड में न्यू मैं नहीं का अप्लाई, किसी भी फील्ड में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग आ सकते हो तो ये मत सोचना कि मुझे इस काम में इतना ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जो भी सैलरी होगी यहाँ पे स्टार्टिंग वही मिलेगी आपको। जैसे लेबर में अगर आप लोग आते हो तो 100 दिनार से 150 दिनार तक आपको सैलरी मिलेगी। ओके, आपको खाना पीना रहना कंपनी देगी। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो अगर आप लोग सैलरी ज़्यादा की बात होगी, जब आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तब जाके आप लोगों को ये सैलरी भी हिसाब से बढ़ाएगा। और कभी भी कुवैत में जो पहली बार आता है उसको बहुत कम चांस होता है कि सैलरी ज़्यादा मिले, उसको कम में ही मिलेगा सैलरी, क्योंकि वो भले ही कितना ज़्यादा क्यों ना हो मतलब एक्सपीरियंस वाला, तो वो डिपेंड करता है कि जो उसको बुला रहा है काफ़ी, या जो शेफ उसको बुला रहा है, जो शॉपकीपर या जो भी है, मतलब जिस काम में उसको जानता, तो थोड़ा उसमें अलग बात हो जाती है, उसको रेफरेंस लग के उसको थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो 2-3 साल करता है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट टाइम आता है तो उसकी सैलरी ये नहीं कि आपको सीधे 250, 300, 400 ऐसे दे देगी, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग अगर आप लोग अच्छा एक्सपीरियंस है तो किसी काम में तब थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखना, पहली बार आ रहे हो और आपको कोई काम नहीं आता हो, लेबर में आप लेबर उसमें आप आ रहे हो, तो आपको 100 दिनार से 150 दिनार तक सैलरी मिलेगी। ओके,
तो गाइस यही बताना था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी डिपार्टमेंट में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी आप काम में माहिर हो, किसी भी काम का एक्सपीरियंस आपको, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो हर तरह की जॉब यहाँ पे मिलेगी, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, शॉपकीपर हो गया, सब तरह का काम यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपको किसी चीज़ की नॉलेज एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये नहीं आप लोग फ्रेशर हो तो यहाँ पे आ रहे, मेरे को कुछ काम ही नहीं आता, पढ़े लिखे वो किसी काम का नहीं है, एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। ओके, तो गाइस आपको आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आप थोड़े बहुत नॉलेज आपको मिल गया हो और बहुत सी जानकारियाँ होती है कुवैत के बारे में। तो मैं आपके लोगों के सामने बिल्कुल अपने वीडियो के माध्यम से लाना पूरी कोशिश करूँगा, बशर्ते आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा किस चीज़ के टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो में बनाऊँगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी के लिए आप लोग मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा पर्सनली बात बना तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी में जाके आप मेरे को फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो कर रही होगी नीचे में, वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना। ओके गाइज, तो गाइज मिलता हूँ, आज की वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।